कल बांदनवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा पूरी तरह फ्लॉप रही। 3 लोकसभा के 24 विधानसभाओं से वो एक विधानसभा के बराबर भी लोग इकट्ठे नहीं कर सके, उससे मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं और बौखला करके प्रधानमंत्री पर जासूसी के झूठे आरोप लगाने लगे हैं कि राजस्थान घूमने के बाद उनको लगता है कि वह राजस्थान के अंदर ये पहली बार इतिहास का निर्माण होगा कि जिसकी राजस्थान में सरकार रही है वह लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व ही होने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में केवल वे अपने पुत्र की सीट बचाने के लिए जोधपुर की गलियों में घूम रहे हैं। वहाँ पर राष्ट्रवाद और वंशवाद का चुनाव है और इस आधार पर उनके इस पुत्र मोह के कारण आज राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इवन जब मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में जो 11 दिसंबर को पानी मिल रहा था उसकी कटौती करके आधा कर दिया है, उस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके स्थानीय कैंडिडेट के द्वारा जो वचन पत्र जारी किया है वह वचन पत्र स्पष्ट या आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन और झूठ का पत्र है। उसमें न तो प्रिंटर का नाम है और न कोई उसके मुद्रक का नाम है और न उसकी कोई संख्या है जो स्पष्ट या उल्लंघन है। और उसमें जो बातें कही गई हैं और पीछे जो फ़ोटो है वह फ़ोटो ऐसो लोगों का है जिनका शायद वोट ही वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे उस पत्र का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। और अंदर जो बातें आंतरिक सुरक्षा और पानी की रही हैं, पानी के विषय में हमारी सरकार ने ब्राह्मी नदी से 6000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की थी, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये कैसे इस पानी की व्यवस्था करेंगे? केवल जनता को भ्रमित करके विधानसभा के अंदर तो किसी तरह 100 का आंकड़ा जुटा लिया, लेकिन अब अजमेर की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने की है कि हम राजस्थान में भी NRC लागू करेंगे, जिसके आधार पर यहाँ जितने बांग्लादेशी हैं उनको चिन्हित करके यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। तो क्या कांग्रेस इससे सहमत हैं? मैं उनके कैंडिडेट को स्पष्ट चुनौती देता हूँ, आकर के स्पष्ट करें कि आंतरिक सुरक्षा तो उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस पर वे मौन धारण किए हुए हैं। इसी तरह पानी की समस्या पे चुप हैं और बाकी समस्याओं पे भी किसी तरह का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए झूठ के पत्र पर अजमेर की जनता विश्वास नहीं करेगी। अजमेर की जनता राष्ट्रवाद पर विश्वास करने वाली है। वे NRC रजिस्टर को लागू कराना चाहेगी, वह धारा 370 को हटाना चाहेगी, वह हिंदू आतंकवाद जो इनके कांग्रेसियों ने कहा उसको नकारेगी, और राम मंदिर बनाने पर ये जो राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे हैं उसके लिए अजमेर की जनता एक मजबूत नेता जो कि आज सर्वमान्य मोदी जी हैं उसको लाना पसंद करेगी। और उनको जिताने के लिए अजमेर से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भागीरथ जी को यहाँ से जिता करके हम 25 में से 25 सीटें जीतते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री अजमेर की जनता देखना चाहती है।